वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल देसी कुकिंग एक्सपर्ट पर, जहां सीखेंगे हम घर में उपलब्ध सामान से ही टेस्टी डिशेज बनाना। आज हम बनाने जा रहे हैं दाल की बड़ी, और उसके लिए हमने ये देखिए दाल को 8 घंटे पहले फुला कर रखा था। ये देखिए फूलने के बाद हमारी दाल ऐसी लगेगी, ये देखिए इस तरीके से। और उसके लिए हमें थोड़ी सी हींग चाहिए, धनिया जीरा का पाउडर चाहिए, नमक स्वाद अनुसार, लहसुन और ये हरी मिर्च। तो चलिए अब हम बनाते हैं दाल के बड़े। उसके लिए हमने उड़द की दाल जो फुलाई थी उसको हम ऐसे हिला देंगे इस तरीके से। देखिए हमने हिला दिया और इसके छिलके ऊपर आने। अब हम इसको इस तरीके से थोड़ा सा हिला देंगे। जब हमने इसको इस तरीके से हिला दिया, फिर हम पानी हिलाते हुए हमें इस कटोरे में अपना पानी डालना है। ये देखिए हमारे छिलके सारे नीचे गिर रहे हैं, देखिए छिलके हमारे गिरने लगे, हमारी दाल व्हाइट होने लगी। और इसी तरीके से हम अपनी दाल को धो लें। ये देखिए हमारी दाल अब धुल गई है, डाल लेना है। अब हम इस दाल को जार में भर लेंगे। दाल को हमने जार में भर लिया है। अब हम इसमें ये देखिए हमने लहसुन लिए थे, अब हम इसमें लहसुन को सारे लहसुन को डाल। अगर आपको तीखा पसंद है तो आप हरी मिर्च भी इसी में डाल। अब हम इसका ढक्कन बंद कर देंगे और इसको पीसेंगे। तो चलिए अब हम बनाते हैं दही बड़े। देखिए हमने दाल पीस ली है। अब हम सबसे पहले दाल को अलग रख देंगे 2 मिनट के लिए, और दही बड़े भिगाने के लिए दही लिया है। इसमें ये देखिए हमने मिर्ची, धनिया, जीरा इसको भून कर इसको पीस लिया है। अब हम इसको अपने दही में डालेंगे, और ये हमने नमक लिया है। नमक हम डालेंगे दही में अपने स्वाद अनुसार। फिर अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमारा मिक्स हो गया है, अब हम इसको रख देंगे। अब ये देखिए दाल है। अब दाल में हम धनिया जीरा का पाउडर थोड़ा सा डालेंगे, थोड़ी सी हम इसमें हींग डाल देंगे। नमक हमें पूरे में नहीं मिलाना है, क्योंकि नमक अगर हम पूरे में मिलाएंगे तो हमारी दाल हींग हो जाएगी, जिससे हमारे दही में पाएंगे। पहले हम दोनों चीजों को मिक्स कर लेंगे अच्छे से, फिर हम जितना बनाते जाएंगे हम अपना नमक मिलाते जाएंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमने मिक्स कर लिया है। इतनी दाल मैंने अलग कर दी है। अब हम इतनी दाल का बनाएंगे। तो हम इतनी दाल में नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। देखिए हमने नमक डाला इसमें, इसको अच्छे से मिला लिया। हमने गैस पे कढ़ाई चढ़ा के अपना तेल गरम कर लिया है। चलिए अब हम दही बड़े बनाते हैं। हम हाथ पे थोड़ा सा पानी लगाएंगे इस तरीके से, फिर हम अपनी दाल को हाथ पे रखेंगे इस तरीके से हम उसे फैलाएंगे। फिर बीच में देखिए थोड़ा सा हम छेद कर देंगे और उसको धीरे से छुड़ा के हम अपनी कढ़ाई में, फिर इसी तरह हमें तरीके से करना है। हाथ पे पानी लगाना है, अपनी दाल लेनी है, उसका छोटा सा गोला बनाना है, गोल गोल, और इसी तरीके से हमें इसे निकालना है। और अपनी कढ़ाई में ये दही बड़े एकदम देसी स्टाइल में हम बता रहे हैं बनाएंगे। गैस हमने कढ़ाई
डालेंगे अपने, तो हम कढ़ाई सिम कर देंगे और फिर हम अपने बरों को पकाएंगे। देखिए कितने अच्छे से हमारे बरे फूल रहे हैं। दाल जितना फेटी जाएगी बरे उतने ही ज्यादा हमारे फूलेंगे। ये देखिए, देखिए दही बड़े हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम इन्हें एक एक करके पानी में इस तरीके से धोएंगे और अच्छे से इनको हम निचोड़ देंगे ताकि इनका पानी सारा निकल जाए। फिर हम इसको दही में डाल देंगे। इसी तरह हम सारे दही बड़ों को पानी में अच्छे से धो के, क्योंकि अगर हम गर्म दही बड़े दही में डाल देंगे तो हमारा दही फट जाएगा, इसलिए हमने इनको पानी में धोया। अच्छे से पानी निचोड़ दिया इस तरीके से हम इसको करके। ये देखिए हमने दही बड़े अपने डाल दिए हैं दही में। अब हम इनको चला और भीगने के लिए थोड़ी देर, आधे घंटे के लिए हम इसको रख देंगे। देखिए देसी स्टाइल में हमारे दही बड़े बनकर तैयार हो गए। अब इसको खाइए, खिलाइए। थैंक्स दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह हमारी वीडियो देखते रहें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और देसी तरह से खाना बनाएं, खिलाएं और खाएं। शुक्रिया।